आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि सबसे कॉमन मिस्टेक्स फोटोग्राफर्स क्या क्रिएट करते हैं। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो तो आपको इस मिस्टेक से एकदम अवॉइड करना चाहिए और आपका काम एकदम प्रोफेशनल हो जाएगा। तो ये वीडियो में आप ये सब सीखने वाले हो, साथ ही साथ हमारा फोटोग्राफी कोर्स है जिसके लिए आप इस नंबर पर रजिस्टर करवा सकते हो, और वेडिंग फोटोग्राफी का भी कोर्स है जिसके लिए आप यही नंबर पर इंक्वायर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, फोटोग्राफी अंडरस्कोर एजुकेटर्स पर भी, और हमारा वेडिंग का काम देखने के लिए वेडिंग अंडरस्कोर स्टोरी टेलर्स। अरे क्या हुआ, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? अरे लेट हो गया, मेरे को ट्रैफिक में फंस गया था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसके लिए लेट हो गया। अभी पार्टी भी चालू हो गई है, मैं क्या करूँ, थोड़ा लेट हुआ आपके आने। अभी पर कितने बजे बुलाया था? 11 बजे बुलाया था, 11:30 तो बज गया, तो अभी ट्रैफिक में फंस गया इसके वजह। जाओ जाओ जल्दी जाओ काम पर अभी। जब आप एक इवेंट शूट करते हो तो आप ऐसे लेट नहीं आ सकते हो। एक फोटोग्राफर का काम होता है कि अगर 11 बजे का इवेंट है तो 10:30 बजे पहुंच जाए और डेकोरेशन बाकी माहौल के साथ एकदम मिक्स आउट हो जाए। अभी 11 के इवेंट में ये 11:30 बजे पहुंचा है, लोग भी आ जाते हैं, सब फोटोग्राफी भी हो जाता है, इट्स लाइक अ मेस। आप जो काम करना चाहते हो वो हुआ ही नहीं। क्लाइंट भी कंप्लेन करता है, यार फोटोग्राफर अनप्रोफेशनल है, लेट आ जाता है। इसीलिए हमेशा आधा घंटा पहले आपको पहुंचना ही है कैसे भी करके। 1 घंटा सोच के चलोगे तो आधे घंटे में पहुंच जाओगे। ए राजकुमार क्या हुआ? एक्चुअली ना इसमें वो जो ब्लर का इफेक्ट आता है वो आ नहीं रहा है बहुत देर से। ये कौन सा लेंस है? ये 24-105। अभी ये वाले लेंस में कैसे ब्लर इफेक्ट आएगा? ये वाला जो लेंस है ना 50mm 1.8 1.4, ऐसे में जो अब वाइड एपर्चर्स होते हैं वहाँ पे आपको डेप्थ इफेक्ट मिलता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत लेंस गलत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, फिर उनको वो इफेक्ट मिलता ही नहीं है। सही इफेक्ट के लिए सही इक्विपमेंट्स होने चाहिए। कोई भी लेंस कोई भी इफेक्ट के लिए काम में नहीं आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताओ मुझे, एक काम कीजिए सर, एक हाथ पीछे कीजिए आप। हाँ नहीं नहीं आगे कर लीजिए। ओके ऐसे कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है चलो ऐसे। हाँ नहीं नहीं थोड़ा सा पीछे कर। ओके इसको बराबर पकड़ ऐसे। हाँ ठीक है चलेगा। ये ठीक है। हाँ हाँ थोड़ा सा पीछे, नहीं नहीं थोड़ा सा नीचे। तुम्हें क्लाइंट को पोज देने को नहीं आता है? नहीं, थोड़ा सा। और हंसने को तो बोला ही नहीं तुमने, कुछ बोला क्यों नहीं? प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी फोटोग्राफर्स को बोलना ही नहीं आता है, वो क्लाइंट के साथ कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं पाते हैं। एज अ फोटोग्राफर आपको एक्सट्रोवर्ट होना, क्लाइंट के साथ बात करने को आना चाहिए। अगर आपको बात करने को ही नहीं आ रहा है तो आप पोजेस कैसे दोगे? हाँ 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 ऐसे करते रह जाओगे। कॉन्फिडेंस आपके फोटोग्राफी में होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आपको क्लाइंट के साथ बात करने में कंफर्ट होता है। क्लाइंट आपको खा नहीं जाने वाला है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली वो बोलना है जो आपको आता है। अंडर कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप फोटोग्राफी करोगे तो आपकी फोटोग्राफी में वो चार्म कभी आएगा ही नहीं। समझे? तो कैसे दे देगा यार? अरे 1 रुपया भी नहीं दिया भाई, तो कैसे कार्ड दे देगा? नहीं नहीं भाई, पैसे का पहले टेंशन खत्म करो यार, मेरे को सबको देने का यार। हाँ तो भाई साहब क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या पेमेंट का इशू है आपको? मैम मैंने काम किया पूरा दिन, मेरे को अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला, और वो बोल रहे सर, बोल रहे कि फोन आया था सर का, बोलते कार्ड दे दो, तो अभी आप बताइए मैं कैसे कार्ड दे दूँ उनको। तो क्लाइंट के पास से पेमेंट मांगा आपने? मैंने क्लाइंट को 4-5 बार बोला है मैम, और जिन्होंने जिनके रेफरेंस से मैं आया हूँ उन्होंने तो अभी तक कुछ खाली फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनका मैं अभी तक पूरा काम भी कर रहा हूँ, मेरे साथ जो भी आए हैं उनको भी पेमेंट देने का, तो मैम कहाँ से पेमेंट देगा आप बताइए ना मैम। यूजुअल ये प्रॉब्लम है कि फोटोग्राफर लोग पेमेंट मांगते नहीं है, शर्माते, अरे नहीं नहीं क्लाइंट बहुत अच्छा है, पेमेंट दे देंगे, हो जाएगा, और फिर जो है मन में डर लेके घूमता है कि कब पेमेंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए ना, आप कहीं पर भी जाते हो तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप काम करते हो। 50% एडवांस ले लो, कोई कोई फोटोग्राफर्स 100% एडवांस लेते हैं। आपको आपके काम पे विश्वास है ना कि आप अच्छा काम करते हो, तो फिर पेमेंट आधा लेने में क्या प्रॉब्लम है? आधा पेमेंट पहले ले लो, आधा पेमेंट बाद में ले लो, पर डिलीवरी के बाद भी पेमेंट नहीं होता है, डिलीवरी के पहले पेमेंट होता है। ये एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, पेमेंट हाँ देख लेंगे, हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
आप जब सभी लोगों को पेमेंट देते हो और खुद का घर पैसे से चलता है तो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पेमेंट के टर्म्स क्लाइंट के साथ और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सबके साथ क्लियर होना चाहिए। जिनके पेमेंट टर्म्स क्लियर होते हैं उनके साथ लोगों को काम करना पसंद भी आता है और उनको खुद को भी काम करना अच्छा लगता है। आई होप ये चीज़ आप समझ सको। ये प्लेट है ना 3000 पर पर्सन है, तो आप लोग कुछ 7 लोग हो तो थोड़ा इंटरवेंट हो जाएगा। सो आप प्लीज़ प्लेट मत लीजिए, कई बार से आपका अरेंजमेंट करेंगे, आप प्लीज़ प्लेट कर दीजिए। जब एक फोटोग्राफर या इवेंट प्लानर या जितने भी लोग शादी में काम करते हैं वो सभी लोग वहीं पे खाना खाने वाले हैं शादी में, क्योंकि 10-10 12-12 घंटे, कभी कभी 16-16 घंटे आप पूरा दिन उस शादी में रहते हो, तो खाना कहाँ पे खाना खाने जाओगे? भूख तो लगेगी इंसान को, कहीं पे बाहर नहीं खाना खाने जा सकते। आपको आपका खाना पीना, या अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग में जाते हो तो वहाँ पर रहना, ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट के साथ पहले से क्लियर करनी पड़ेगी कि देखिए हमारे इतने लोग आने वाले हैं, इनका खाने का अरेंजमेंट, इनके रहने का अरेंजमेंट सब आपको देखना है। क्लाइंट तो यही गिनेगा ना कि यार हमारे इतने सारे लोगों का खर्चा बढ़ गया, वो लोग गलत नहीं है, पर आपने क्लियर किया ही नहीं। पहले से टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियर रखिए कि देखो हमारे इतने लोग आने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करके रखें। इसको प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो फिर हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू सून।